नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। नर्स सेवा नारायण सेवा की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। अभी दो दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको देव सेवा ट्रस्ट की जानकारी दी थी कि किस तरीके से वो लोगों को लगातार भोजन वितरण कर रहा है, राशन वितरण कर रहा है। आज उनके फाउंडर से और उनके कार्यकर्ताओं से हम मिलने आए हैं। एक अच्छी जानकारी आपको दे दे कि देव सेवा ट्रस्ट के जो फाउंडर हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो पहले तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लगभग कितने परिवारों को आप भोजन लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं? सर, 27 तारीख से हम लोग लगातार कर रहे हैं। पूरी इंडिया में करीबन 1500-1600 परिवारों को, और दिल्ली में अपना सागरपुर, कैलाशपुरी, साधनगर, इंदिरा पार्क, करीबन 650 परिवार को हम अब तक राशन वितरित कर चुके हैं और ये हम निरंतर कर रहे हैं। इसमें हम सूखा राशन उनको दे रहे हैं क्योंकि जो बना हुआ खाना है, बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे लोग जो है भंडारे कर रहे हैं, वो पहुंच रहा है। लेकिन जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो एक मान सम्मान के साथ हम लोगों के बीच में 15-20 साल से रह रहे थे और वो मांग नहीं पा रहे हैं और उस शर्म में वो अपने घर में बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, बता नहीं पा रहे, तो हमने 50 लोगों की अपनी टीम जो है, जो हमारी संस्था के लोग हैं, उनसे वो ये डिस्कस किया कि भाई हम कैसे उन लोगों तक मदद पहुँचाएँ कि उनका आत्मसम्मान भी बरकरार रहे और उनको मदद भी मिल जाए। तो उन 50 लोगों ने खुद और अपनी फैमिलीज से उन लोगों की फैमिलीज में फ़ोन कराए। 1 तारीख से 3 तारीख तक हमने ये काम किया। उनको सिर्फ ये एहसास दिलाया कि हमारी संस्था ऐसे लोगों की मदद करी, अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो तो हमें बताएं। उसके बाद एक हफ्ते बाद हमने फिर वो रिपीट किया और उस टाइम फिर उनको हमने ये कहा कि भाई आप भी हमारे परिवार की तरह हो, दोस्त एक भाई की तरह होता है, और जैसा रूखा सूखा हम लोगों के पास है वैसा आप भी खाएंगे, अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें बताएं। यार, मैं देख पा रहा हूँ पूरा का पूरा किट है, इसमें बासमती चावल है, आलू है, फिर ये पैकेट्स के अंदर जो मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ उसमें चाय पत्ती दिखी है मेरे को, नमक दिखा है, दाल दिखी है, और क्या क्या है इसके अंदर? इसमें सर हम किट में 12 से 15 दिन की किट दे रहे हैं। 5 किलो हम इसमें आटा देते हैं, 2 किलो चावल है, 1 किलो तेल है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो नमक है, साबुन है, नमक मिर्च है, हल्दी है, और 1 किलो आलू है। ये करीबन 12 से 15 दिन एक परिवार में चल जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो 15 दिन चल जाता है और बड़े लोग हैं तो 12 दिन चल जाता है। ये और उसके बाद आप फिर 12 दिन बाद उनको फिर संपर्क करते हैं और उनको फिर जो है राशन प्रोवाइड करवाते हैं। इस हिसाब से आपने करीब 650 परिवारों को रोड पे आने से या भुखमरी से बचाया है। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इन सब चीज़ों में आर्थिक रूप से बहुत धन लग रहा है, ये कैसे अरेंज कर रहे हैं आप? देखिए, शुरुआत में तो ये हमने अपने घर से ही शुरुआत की। शुरू में तो आप लगा के चले 3-4 दिन तो जो अपने घर में राशन था या अपने पास से था वो किया, उसके बाद अपने पास से करते रहे। फिर आज मेरा जैसे जन्मदिन है, हमने अपने जन्मदिन को मनाने का हमने एक प्लान किया कि यार अब की बार जो हम जन्मदिन मिलाएंगे, हर जन्मदिन पे हमारे 100-150-200 लोग आते थे, हमें गिफ्ट देते थे, तो हमने एक ग्रुप बनाया और उन लोगों को कहा कि भाई अब की बार जन्मदिन हम इस तरीके से मनाना चाहते हैं कि आप लोग जो मुझे गिफ्ट देते हो वो मुझे आप गिफ्ट दो, लेकिन मैं उस गिफ्ट को इसमें लगाऊंगा, जो भी आप राशि देंगे या सामान देंगे मैं उन्हें इन लोग असहाय लोगों की मदद में लगाऊंगा। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये की राशि उस रूप में मेरे पास आई, वो भी हमने सब इसमें लगाई। मेरे बच्चों ने मुझे जो बर्थडे गिफ्ट देना था वो सामान ना दे के 5100 रुपये का गिफ्ट दिया, वो मैंने इसमें लगाया, और जो मेरी अपनी कमाई है, जो मेरा अपना सेविंग्स है, वो इसमें चल रहा है। संस्था के जो लोग हैं उन्होंने भी उसमें अपना अपना सहयोग दिया, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, क्योंकि हमने एक बात बोली थी कि किसी पे कोई दबाव नहीं है, जो जिसकी इच्छा हो। अगर कोई मेरे लिए गुलदस्ता भी लेके आता था तो वो 100 रुपये का था, अगर वो 100 रुपये भी देगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम में बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है, क्योंकि जो इस टाइम मिलेगा, जो पैसा आएगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में अन जाएगा, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं है। वीरेंद्र जी, प्रतिदिन कितने लोगों को किट जो है वो भेजी जाती है? 650 तो आपने टोटल आंकड़ा बताया है, प्रतिदिन के हिसाब से आपने टैली बनाई होगी, तो प्रतिदिन कितने लोगों को बांटा जाता है? उसके बाद एक बांटने का तरीका भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी
आपने बताई भी और हमने जो देखी भी कि आप जिसको भी राशन दे के आ रहे हैं उसकी कोई तस्वीर नहीं ले रहे, जिससे उस व्यक्ति का स्वाभिमान जिंदा रहे और उसका जो भरोसा है खुद पे वो कायम रहे। क्योंकि इस वक्त कोई भी व्यक्ति इसलिए बेरोज़गार नहीं है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए बेरोज़गार है या इसलिए वो नहीं कमा पा रहा है क्योंकि उसके आय के स्रोत इस महामारी के कारण बंद हो गए हैं। तो प्रतिदिन कितने लोगों को आप किट देते हैं और किट देने की आपकी प्रक्रिया क्या है, प्रणाली क्या है, कौन जाता है या कोई आता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे 50 लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, हमारी संस्था के करीबन ये 8 से 10 लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो घर घर जाके ये किटें दे के आते हैं। हमारे शुक्ला जी हैं, सत्यनारायण टकलो जी हैं, मुंगेरी जी हैं, जोगिंदर जी हैं, महेश जी हैं, तो ये लोगों के पास भी कुछ कॉल्स आती हैं। ये जाके घर पे चेक करते हैं कि एक वाक्य क्या उनकी ऐसी पोजीशन है, क्योंकि इस टाइम लोग ना भंडारण भी बहुत कर रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखते हैं। और जो हम अपने सर्कल से कर रहे हैं, यानी हमारे जो मित्र या इनके जो मित्र या हमारे मित्रों के जो मित्र या पड़ोसी, जिनकी आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं और जिन्होंने अभी तक हमसे नहीं मांगा और घर बैठे हैं, जब हमें पता लग जाता है कि हाँ इनकी ये पोजीशन है, हम वहाँ भी जाते हैं। हमारा कोई टारगेट नहीं है, ना हमने कोई दिखावा करना है कि हमने रोज 50 किट बांट दिए हैं या 100 किट बांट दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी दिन मात्र 5 किट भी जाती हैं और किसी दिन 25 किट भी जाती हैं, 50 किट भी जाती हैं, डिपेंड करता है कि कितने लोगों को हम ये विश्वास दिला सके कि भाई हम तुम्हारी आर्थिक मदद इसलिए कर रहे हैं कि हम तुम्हारा परिवार हैं। क्योंकि जब तक हम उनको ये एहसास नहीं दिला पाते कि हम तुम्हारा परिवार हैं, तब तक वो हमसे मदद नहीं लेते। आपने इस वक्त ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतिम सवाल लूँगा मैं आपसे, ये जो महामारी है इस पे आप जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करना बंद कर दें। किसी भी देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी से हो, वो हरदम देश की भलाई चाहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई इसको लॉकडाउन को आप कर्फ्यू ही समझें, लक्ष्मण रेखा खींच लें, अपने घर में रहें, और मैं समझता हूँ 90% लोग इसको मान भी रहे हैं। लेकिन ये जो 10% लोग हैं जिनको ये घमंड है कि हमें कुछ नहीं हो सकता, या वो कहते हैं यार दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हम क्यों माने, वो लोग सही मायने में देश के दुश्मन हैं। वो बाहर घूम के अपने आप को एक मानव बम बना रहे हैं और वो घर में जाके पहले अपने घर को डिस्टर्ब करेंगे, फिर पड़ोस को डिस्टर्ब करेंगे, फिर समाज को, फिर पूरे देश को। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए तो 137 करोड़ लोग हैं, अपने परिवार के लिए आप अकेले हैं। अगर 1-2 लाख आदमी मर जाएगा तो शायद प्राइम मिनिस्टर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि जब तक आप इसको खुद जाके रिसीव नहीं करोगे, अपने आप लेके नहीं आओगे तो नहीं आएगी। बहुत स्वाभिमानी है ये, जब आप इसको लेके आओगे तब ये आपके घर में आएगी। तो थोड़े से स्वाभिमानी आप भी बनो, बिन बुलाए मेहमान है, क्यों लेके आ रहे हो उसको अपने घर में, मत जाओ प्लीज़ बाहर। तो पहले तो मैं आपको एक बार फिर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दे दूँ। हम धन्यवाद देते हैं वीरेंद्र जी का और इनकी पूरी संस्था का, जो लगातार लोगों की मदद में लगी हुई है इस मुश्किल समय में, जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, उस समय में लोगों को भोजन लगातार प्रोवाइड करवाना और पूरी चेन के साथ सिस्टमेटिक रूप से प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात है। आपकी संस्था के जितने भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उनका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि अपने आसपास अगर आपको कोई भी व्यक्ति भूखा दिख रहा है तो आप भी उसकी मदद करें, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। कैमरामैन नन्हे के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, नेशन लाइव।